तो हरी राम के ढोला के प्रेमियों, आइए मेरे दोस्तों, हमारा ये जो ढोला नल पुराण इतिहास के माध्यम से चल रहा है, चुंगल चिरैया। चुंगल चिरैया का जो ढोला हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसका दूसरा भाग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से जिस ढोला के गायक हैं हरिराम गुर्जर, गांव अलावड़ा, निवास स्थान तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान। स्वर दे रहे रूप सिंह पपैया, नाल पर साथ दे रहे संगीत मास्टर रामवीर तूफानी, चिमटा पर साथ दे रहे बेटा गोपाल, गड़ा पर मास्टर जी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आपके ध्यान को पहली कैसेट के अंत से जुड़ा देते हैं। नल की नानी ने कह दे कि बेटा, अगर तू असली मेरी मंझा का बेटा होता, तेरे नाना मामा रंजनगढ़ की जेल में पड़े हुए हैं। एक काम कर मेरे लल्लू। कौन सा? भोजन खाइयो बेटा मेरे, सुनो ले लगाए के नेक ध्यान, अरे जेल से चहले बेटा चावर खावे गो, अरे तो एक गंगा की बेटा, फैलाए okay।
कला कबूतर खाए हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार से राजा नल मनसुख और किशनलाल रंजीमगढ़ में पहुंच गए। लेकिन भैया रंजीमगढ़ में एक नया विवाह वाला कौन सा रंजीमगढ़ के द्रगपाल की लड़की हाँ शहर से बाहर बाग में रहती थी। अच्छा जी वह बाग में जब पहुंचे माली और मालन देख रहे ओ परदेशी अरे क्या करते हो अरे इसमें द्रगपाल राजा की लड़की रहती है वो मर्द को मोहना देखे पांच फूलन में तुले हल्की छोरी भाई बैयरी नवा में बैयरी धुबा में बैयरी केसन सूते बैयरी भोजन करवा में बैयरी सुबह में बैयर में सो जाए औंदी सो और कने पर्यटन में सोच को सो, मर्द को मोहना देखो मर्द जाने ही ना है। हाँ मर्द तो ना गया ना मौज मौज होटल भोग पुठे मर्द देखो ना माने के मर्द के चार पाम हो दो पाम हो पूरे तीन पाम भी हो मर्द के और पांच फूलन में तुले भाई वो हल्की छोरी भाई भले तो आज को जम दे डोल पांच फूलन को जाओ नाम आया तो किशन लाल क्या कह रहा है क्या कहता है अरे अरे बाबा मैं तो कैसे माना दीरा धारू छोरी ते ब्याह करूंगा तो दर्शन करवा दे बाबा वा छोरी के नहीं मरो देख लीजो भाई मो कुछ ना पर मैं रात में ना सोऊंगा हम भाई तेरा भट्टी लग रही है तेरी तो मरे। दरबार में पहुंच गए जहां राजा द्रगपाल का दरबार जुड़ रहा था। अच्छा नल कह रहे देख देखा मतलब से काम निकाल लो इशारे थे हम या राजा के यहाँ नौकरी करेंगे नौकरी करने के बाद सब काम फतेह होगा। अच्छा चलो भाई दरबार में पहुंच गए अच्छा हाथ तगड़ा दरबार जुड़ रहा था राजा द्रगपाल का कैसो यू बताना पड़ेगा कहने लगे भाई ठीक है
क्या नौकरी करोगे भाई? नल बोलो, भैया ऐसी बात है राजा, हमारे देश में अकाल पड़ गया, नौकरी करने के लिए आए, पैसा ढेरी हमें चाहिए ना है, रोटी कपड़ा और मकान, पर नौकरी हमारे मन की सी। बैठ जाओ। हाँ भाई, अच्छे जवान हो तुम, तुम्हारे मन की सी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, क्या नौकरी चाहिए? नल कह रहा है भाई, सुन राजा, हम नौकरी क्या लेंगे बताइए। अरे अरे, चाहे कितने हाथी भगवा ले, चाहे कितने घोड़ा भगवा ले, कितने मांस मरवा ले, तीर तमंचा तोप चलवा ले, मोर चांद पे अड़ा ले, कितनी आंख मरवा ले, ती बहन के गाले मारू, ये भी कोई लड़ाई की चीज है का? पर सुन ले जगपाल सरदार, एरा छोटी नौकरी ना करूं राजा, एरा भोजन को बनाए दे सुनके भोजन को सूबेदारी रहूंगा। बिल्कुल। अच्छा भाई, नौकरी तो करूंगा नहीं। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम है साहब बाबरिया। अच्छे हो, रजिस्टर में नाम लिख दिया बाबरिया। ठीक बात, क्या काम किया लल्लू बताइयो? अरे जन्म को नल बाबरिया, अरे जन्म को नल देख बाबरिया, भोज का अफसर किया, राजा नल तो बना दिए सूबेदार, आदमी रह गए दो, मनसुख और किशनलाल, लंबर आयो मनसुख को, क्या नौकरी करेगा भाई जवान? तेरे भैंसे ने गोबर उठाऊंगा खूब भाई। मनसुख बोलो, महाराज नौकरी कैसी बात है, हमारो बड़ो भैया जो तो भोज को सूबेदार कर दियो, और मैं हमारे राजा के वहां जेल दरोगा हूं, जेल इनके ऊपर। अच्छा, अब मनसुख या बात, तुम्हारे जेल दरोगा रह रहो है, अब जेल में नाना मामा है, झिक्के तो हलवा दीजो नाना मामा ने, ताकतवर बना दीजो नाना मामा ने, मार चलेंगे ससुरिया ले चलेंगे। हाँ, वो तो अपनी विधि में हो। क्या कहिए मनसुख ने? क्या कहिए? अरे देखो मनवे धीरज धर दे, और छोटी नौकरी मोए ना चाहिए, मोए तू जेल दरोगा कर दे, जेल के ऊपर जेल दरोगा कर दे। अच्छा जा भाई, तू जेल दरोगा किया, जब जेलिन पे गयो मनसुख, जेलिन के जो रसोई आओ ना, हमारा हमारा तो खैर भगवान रूस के बैठो सीताराम, यही बात। पर जेलिन को जो रसोई आओ, वाकू मजबूत हो, हाँ वाकू जाके ऑर्डर दे दियो, मनसुख ने ऑर्डर दे दियो कि जितने भी जेल में जेली बनने, इनको 8 बजे दियो मूंग को हलवा। अच्छो जी, मूंग को? हाँ। अरे बड़े, और इनको 11 बजे दियो देसी घी की इमरती। अच्छो, और इनको 1:15 बजे दियो सूजी को चूरमा, और इनको 25 बजे दो शकरकंदी को हलवा। शकरकंदी को हलवा ना हो, कहती बहन के गाल मारो, शकरकंदी को राय तो हुए करे, अरे कंदमूल फल तू ना जाने वाला। अच्छा, तो इनको जगे तो हलवा, बैठे तो हलवा, सोए तो हलवा, कहूं चले तो हलवा, और लोटे रहे तो हलवा, 4 बजे हलवा, 6 बजे हलवा, 8 बजे हलवा, 12 बजे हलवा, 4 बजे हलवा, 10 बजे हलवा, हलवा ये वो ढोर हलवा, ये बिछार हलवा, ये मुंह तो जेली बोले त्याज बेन के गाले मारू, ये अच्छा अफसर आयो, हलवा खवा खवा के एक जेली बोलो, मैं जान रहा हूँ। अरे जाने कैसो त्यारे गो, और नयो जेल दरोगा आयो, ये मोटी करी की मारेगो लठ देत में स्वाद आयो यार। सारे हो, मैंने चलती सी बात सुनी है, अमरीका ते खून की मांग भैया, सो जेल इनको खून खिंचाएगा। मोटे कर रहे, देखिये दोस्तों जरा याद रखना, हरिराम की बात पर गौर करना मेरी ढोला सुनने वाले प्रेमियों, नल है गो जेल दरोगा, मनसुख है गो जेल दरोगा, नल है गो सूबेदार। अब किशनलाल ठाड़ो दरबार में, 20 वर्ष को लड़का है, द्रगपाल राजा उसकी सूरत की तरफ देख रहा है, छोरा तो बहुत सुंदर है, मैया बापन ने परदेश में नौकरी करने के लिए भेज दिया, बेटा क्या नौकरी करेगा तू? किशनलाल कह रहे हो महाराज,
तन ना देखी चलती ना देखी तलवार, तलवार चलती नहीं देखी, लड़ाई में गया नहीं, घर से बाहर गया नहीं, धूप ताप आंखों से नहीं देखी। मैया बहुत प्यार करी अभी तू ऐसे, और किशन लाल के मन में लग रही रे भगवान, भगवान काई तरह की छोरी के ढिंग पटक दे भाई भगवान, भाई करना लगे शंकर भगवान तेरी पिंडी पे परो रूंगो रात दिन। किशन लाल के करना लग रही है कि भाई वह छोरी के ढिंग पहुंच जाऊ, कोई तरह वक्त दर्शन कर लूं कैसी। अरे भाई तो क्या कही है किशन लाल ने, फिर दो चार तो सभा कर दूंगा महाराज, वो ऐसी जगह की ड्यूटी दे दो जहाँ मैं छाया में ठाड़ो ठाड़ो तुम्हारी ड्यूटी बजा दूं। मैंने कभी नौकरी नहीं करी। आज आप हमारे लठे बना। अब दिरकपाल राजा ने सोची कि 20 वर्ष को छोरा है हम, देख आज काल के तो 8-10 वर्ष के छोरा 61-62 करने लग जाते हैं। अरे 61 और पहले जमाने में 20-25-30 वर्ष के इनको तो नहीं पता ना हो कि बैयरवानी के कहा हुए हम। किशन लाल की दिरकपाल सोच रहा है कि नहीं छोरा है, अभी अब मामले में जाने ना है, तात सिरे में हाथ ना दियो, टोटा ना फाई समझे ना है, और मेरी बेटी की डोड़िन पे, मेरी बेटी मर्द का मुंह नहीं देखती, उसकी डोड़िन पे कोई पहरेदार नहीं है, कच्चे छोरा ना आते मेरी बेटी की डोड़िन बिल्कुल, और वह किशन लाल के करना लग रही है भगवान। अरे भाई वह छोरी के थर्मामीटर पे पहुंचा गिर्रा है बाबा। क्या कह रहा है दिरकपाल, क्या कहता है, जिंदगानी और कितने दिन जिंदो रहूंगो, कितने दिन की जिंदगानी कितने दिन जिंदो रहूंगो, 20 वर्ष के किशन लाल में तुक दुख ना दमो, सब ज्वानन में ज्वान लगे वो एक किशन लाल तु गहरो, सब ज्वानन में ज्वान लगे वो एक किशन लाल तु गहरो, मेरी बेटी की डोरी न पे तू जाए लगई ओ पहरो, मेरे बेटा जाए लगई ओ पहरो, को लड़का है जा मेरी बेटी की डोरिन का पहरेदार हो जा, जब नु सुनो ने कि मेरी बेटी की डोरिन को पहरेदार। अरे छोरा कहे तो समझ गया, पर चिल्ली धर गई छाती पे ठंडी आत्मा हीरो सच पर को छोरा, ए डोरिन को पहरेदार कर दियो प्यार जिगर में फंस गो, और बाकी बेटी को नाम सुनो जब पीठ फेर के आस गो, पीठ फेर के हट गो छोरा, पीठ फेर के हट गो कितना, पीठ फेर के हट गो मत भूला को नाम सुनो जब पीठ फेर के हट गो। अच्छा महाराज ठीक है, बड़ी अच्छी नौकरी बोली, सफेद वर्दी पहरी, बूट चढ़ाए, सिर पर सफेद टोपा उड़ा, हाथ में तलवार लेकर के डोड़िन पे गया पचपोला की जान दौड़ी, डोड़िन पे 7 दिन है गए ठाठाड़े, भगवान से करना लग रही है भगवान वा के दर्शन तो करवा कैसी हो छोरी। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, किशन लाल ने सोची ऐसा ना आवेगी, नई उम्र को छोराओ, खून में फड़फड़ाटो, जवानी को नसाओ, हाथ में तलवारी, पचपोला के महल के दरवाजे एकदम बूट की ठोकर मारिए दरवाजे में, हेल्थ पहुंची महल में, पचपूला बोली बांदी से बांदी, ये पहरे पे कौन आया है, कोई नया पहरेदार आया, इसका दिमाग खराब तो नहीं, भांग भांग तो नहीं खा ले इसने, जाके देखो कौन है, जाके देख महल में देखे, तो मलूक बांदीन की अनिल, मलूक रानीन की मलूक ही बांदी रही, बिल्कुल अरे बांदी साहब ऐसे आई है जैसे हंचू, अरे जस्ट टू फ्लाई ऊपर से आई है बांदी, सिटपट करती लचपच, नीचे आई किशन लाल दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया,
और जब बांदी की चमक 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 की आवाज आकर बांद ने दरवाजा खोला तो किशन लाल कहता, अब बदमाश की बच्ची सबसे अच्छी क्या करती है तू, मैं मैया के पेट में तो पैदा हुआ हूँ, जब तक अब तक मैंने बड़ी अरवानी को मोहना देखो तीन फूलन में तोलू तुम्हें सत्ते डगा रही है। थोड़ा बांदी ने सोची, बहन जो पच फूला अपने दिमाग में बावड़ी हरी है, पांच फूलन में तुले ऐसे ऐसे सभी छोरा है जो तीन फूलन में तुले हैटी चढ़ गई जाके पच फूला तो बोली रही पच फूला हाँ तू अपने घमंड में बावड़ी हरी है तो पांच फूलन में तुले पहरेदार है, वो पहरेदार ना है कौन है वह खुदा को बच्चा, खुदा को बच्चा कैसे हुआ खुदा को बच्चा ना वो तीन फूलन में तुले ऐसा सतमंत खुदा को बच्चा। और देख ऐसा लड़का ऐसा सुंदर ऐसे रूप को ऐसे शरीर को ऐसे वदन को तुझे संसार में नहीं मिलेगा, देख भगवान ने भेज दिया तेरे लिए। क्या बोलिए बांदी करो जा तो कर ले तो घर पे आ जाओ, क्या कह रही है बांदी क्या कह रही है, अरे अरे तेरी बहना देख जोड़ी कोरी भरता, क्या कहने क्या कहने रे क्या कहने मेरे सारे ये माइक के तुम सारे के मुंह उठा गया, बहना तेरी जोड़ी कोरी भरतार राम ने घर पे ही भेजा दियो तेरी जोड़ी को भरतार घर में भेज दियो रे राम ने घर पे भेज दियो तेरी जोड़ी को भरतार राम ने घर पे भेज दियो तेरी जोड़ी को भरतार। जा पचपुला बोली ऐसो छोरा है, बोलो हाँ ऐसो है, तो बहन अब मुंह पर नाइ देखो जा अब मेरो जगी आयो, हम भाई कहा जगी आयो शरीर जग गया उस लड़की का शरीर, अब तो देर मत करे मेरा सिंहार कर दे छोरी को मनियाडर खा लेगो, सिंहार करके वो छोरा के पास पहुंचा दे देखूंगी मैं वो कैसा है, और जब जो ऐसा मेरी जोड़ी के लायक विवाह करूंगी हाँ तो गट पट्टी मामन तो बांधी ने पचपुला को सिंगार करो ठीक सिंगार कैसे पचपुला को बताइयो गोरे गोरे हाथ रचाए दइए मेहंदी अब माथे पे धरी दइए बेंदी बेंदी में धर दियो बेंदा जैसे खिले बाग में बेंदा तेरे धन में देखो केसर मांग समारी ऊपर ओढ़ो तीर हजारी ऊपर ओढ़ी चुंदरकारी नाक में नथ पहरो बलकारी नथ के बीच में दीपत नथलिया अब सोने की लई पैर हसलिया तोता होटल पहलहरानो नथली कर रही जोहर खानो मेरी पक्की करके मानो अरा मेरी सुन लो ध्यान लगाई सज रही तेरा गोपाल की जाई जाने लो पाल से करवाई अब गर्मी को तो पर रहो घूमता जाके कान लच कर ये झुमका कर लियो बड़ो बड़ो आदरो नैनन पीछे लगा लियो काजरो अरे मोहड़ो गोल रंग किए भूरी अब हरी तोतई पहनी है चूरी चूरी पहर लई है काचन की शोभा बनी गई है दो हाथन की जाके ओंडी बन रही है चुंडी अब बाजन की लगाए लई है घुंडी महंगा पहरो है घूम घुमारो और अंगिया को काम करारो क्या मेरी रेशम को है नारो अरा मेरी सुन लो ध्यान लगाई जो तो सजे सज रही तेरा गोपाल की जाई अरे जाने अरे भैया सब सिंगार समारो जाको नखराए सब ते न्यारो हरी राम कहे अलावड़े बारो थारी कंचन की सजवाई सज के जबई महल के आई कैसे आई है महल आई आई है महल जैसे बीजरी झमारी आए जैसे करे न मेहमानो इंद्र धनुष पर जाए चमक चमक छम पायल की चमकार चमक धमक घन घूमर घमकदार महल में से उतर के आई है पच फूला नारो खारे को लहंगा में मद पीरो गोरी को चलल समझ ते उसीरो महल लते उतर आई है बरनी महल लते उतर आई है छोरी और लगी है हाथ में थारी दरवाजे पे ठाड़ो है भैया वानल को उतारी
किशनलाल छाड़ो, किशनलाल कह रहा तू क्या कर रही है। अरे मेरे चाचार बाबा यहाँ नौकरी कर रहे हैं तेरे बाप के यहाँ, तो हत्या बो रही है मेरी जान को, छोरा ने बीज बो दियो, तू चली जा पनवेश्वरी, उल्टी आग केर फूस के बहर हुआ, तू चली जा चली जा चली जा। तेरो भलो जाए भाई सतमंती। पचपुला कह रही है बारा, भगवान जब जन्म देता है इंसान के लिए, उसका मेल जिससे मिला देता है विधाता, बिल्कुल वो वहीं जाके नदी को पानी वहीं जाके डटे। अब देखो अलवर से बंद फूट जाएगा ना बांध, तो आगरे में पानी जाके डटे। बिल्कुल और तूफान के बगल में कर जाएगा पानी। तो देखिए ऊपर चलो, जरूर मेरा आपका विवाह होगा। किशनलाल बोलो मैं कैसे चलूं ऊपर, मैं तो नौ करूं, तू राजा की लड़की है, तेरे बाप को पतो पड़ गो तो तू अपने मुंह पे धरवाए के मरवा देगा। अब यह छोरी पचपुला गडिंग अनिल भाई साहब एक ऐसी जादू की डिबिया, एक पोत जादू की डिबिया खो दे तो खोल दे तो 80,000 आदमी मरे। किशनलाल कह रहा है ऐसी डिबिया है तेरे पास जादू की? बोला हाँ ऐसी डिबिया, आप मरने की तो चिंता ही मत करो, मैं 25,00,000 की फौज को हरा सकती हूँ। अरे राम राम। जब किशनलाल बोले जब तेरे डिंग ऐसी डिबी आए तो तू एक काम कर, छोरी भाई भैया मांस मरवाने मशीन, एक काम कर दे तू लड़की, जब तेरे पास ऐसी डिबिया है, क्या कह रहा किशनलाल क्या कहता है? दे दीजो दे दीजो दे दीजो दे दीजो छोरी दे दीजो दे दीजो, तेरी डिबी आए छोरी दे दीजो। डिबिया आए, अच्छा डिबिया आए, अरे रंगीली तेरी डिबिया आए दे दीजो, अरे देख तेरो ए महाराज। देखो जब आदमी के दिमाग पर इश्क चढ़ जाता है तो आदमी अंधा हो जाता है, उसके लिए फिर कोई नहीं दिखता। अब तूफानी को आगरे में कोई नहीं दिख ना दिख रहा है, मकान भी दिख रहे ठाड़े में काट छोटी माचिस, बड़ो मकान भी ऐसा लगे माचिस माचिस ले गई लड़की ने डिबिया दे दी ऊपर ले गई, जाके पलंग बिछायो पलंग पे बैठायो, आओ महाराज किशनलाल कह रहे क्या कर रही है? महाराज तुम्हारे लिए सेज सजा रही है, गलत बात है। क्यों क्यों? अरे तू कुंवारी लड़की है, मैं छत्री का लड़का हूँ, मैं तेज सेज पर नहीं चढ़ूंगा। और बिल्कुल खड्डे में गई बात नहीं तो नहीं चढ़ जा। तो लड़की सोच रही है कि वास्तव में कोई छत्री को लड़का है? बिल्कुल नहीं, वैसे कोई हो तो ना इतको कोसीमाओं को आदमी अरे चार उपाय ने चुरमुर कर दे तो सारे सेज। तो लड़की कह रही है महाराज सेज पर नहीं चढ़ोगे? बोलो नहीं, तू कुआरी लड़की है, हमारा छत्री का धर्म है कुआरी लड़की की सेज पर नहीं चढ़ते। लड़की कह रही है तो महाराज आज की रात है कैसे काटू? अरे तेरो भल जाओ, और दिन कैसे कटे थे? आज की रात है ले तेरे मेरे हरने मिला जो मेल, और आज की रात नहीं कट जाएगी ले चौपर को खेल खेल। लड़की बोली जानते हो तू? बोला हाँ जानता हूँ। अरे तेरी ऐसी पीठू को टन है तू जिंदगी भर याद रख दोस्तों, सबरी रात चौपर शार खेले, सबरी रात चौपर चार खेले, सकारो है गयो आप दिन में चायो हो, सकारो जब है गयो सबरी रात जगे, किशनलाल ड्यूटी पे आ गयो, लड़की सो गई, अब तो सत्य तोबा को डिग गयो। आप तो है को खंड खंड बाचक, हाँ आज ओंदी सो रही है, बंगा तन माऊ मूंड कर राखो, सिराने माऊ पाम कर राखे, वो मालन जोई पांच फूलन में तोलबे को आओ करे, वो आ गई फूलन की डलिया लेके, मालन फूलन ने लेके आई, लड़की सोमती पाई, बिल्कुल मालन बांधी, तेवतराई बांधी, लड़की क्यों नहीं जगी आज क्या मामला है? बांधी बोली पता ना है भाई ना मूंड मूंड चढ़ रहा, भड़क फड़क है रही अंदाजा सही ना है क्या मामला है? जगा उसको, लड़की जगाई, जगा के नवाई, नवा के चंदन लगाया, चंदन लगा के भजन करवाया, भजन करवा के वो तराजू पे बैठाई, जब तू लोग करे अब देखो क्या बनता है, और दिन तो पांच फूलन में तुल जाओ करे, आज तो लेकर आज तो गाट रह रही, आज तो होगा कांटो उठने चुप। नजर करी अरे फूलन वारो पलरा ऊपर को बनारो छोरी वाई जगह पे दरी
और आज तो ऐसे है जैसे रियल की गाटर। और दिना तो तुल जाओ करे, आज कैसे तुले? 20 फुट की गाटर में 14 मन वजन बने। 5 फूल और चढ़ा दिए, ठीक ना उठी। 25 चढ़ा दिए, ना उठी। 100 चढ़ा दिए, 150 धर दिए, डलिया टेक दई, पूरी डलिया धर दई, पर छोरी वाई जगह पे धरिए। बाटन को मामला आ गओ, हमबे छटंग का धर दियो, अतपई धर दई, पोसेरा दुड छटंग का किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो बटन घिघाट बच गो। 10 किलो पे तो मालन बोल पड़ी, क्या कह रही है मालन सुन, क्या कहती है? अरे तू 5 फूल में तुलई, चढ़ो तो पे फूलन को गलो, और के मेरे तो जच गई छिबो है तेरो काई नरते पल्लो। तू सुन ले रतन कुमार, मचेगो तेरो मुलकन में हल्लो। सेरा तू सेरी एरो मन पे सेरी, सब दिए रग साए, कहा तो पे बजर सला सर किए, अरे काई छेला के हाथ परिए। मालूम जान गई कि काई कर छोरा का हाथ पड़ गया। अरे तो कर दिया, क्या मामला है, क्या मामला है? पचपोला सोची का बेहद तो खुली गया, मामलो डिस्पोजल है। अब तो ना है तो तू या तो कह ही दे, बिल्कुल जब मालन को बतायो कैसे। अरे अरे जी जी अब ना है देख दो से हमारो भीतर घुसी गयो पहरे। रात मेलन में आएगो मैं जाते ना उठ रही चक्कर। अरे मेरे है गए नैन चमेली, मेरे है गए नैन चमेली, वा तेरा तो बाजी खेली। वहाँ भेद खुल गयो, किशन लाल पहरे पे तू ऊपर महल में पहुंच गयो। मालन से कह दिया, मालन तुझे 5 असरपी, 10 असरपी, 50 असरपी जो चाहिए वो ले ले, लेकिन तू दरबार में जाके रिपोर्ट नहीं देगी कि लड़की का सत्य बिगड़ गया। दोस्तों याद रखना, हरिराम के ढोला के प्रेमियों, आज किशन लाल उस पचपोला से वादा करके वादा कर जाता है कि मैं संकल्प दीप मेरी बारात जा रही है, चुंगल चिड़िया को मार करके मैं अपना ब्याह करके ला रहा हूँ, वहां से लौटते वक्त आऊंगा तेरे से गंधर्व ब्याह करके ले जाऊंगा। आज अपने चाचा बाबा के पास पहुंच गए और कह रहे हो अब नौकरी ना करनी, अब चलो। हाँ तो काम तो अब ना करे, अब नौकरी जो काम कर लो जो तो बना लियो। आज वही जगह पे पहुंच गए जयनगर में, और अपनी बारात को सजा करके संकल्पित देश के सीम पर जब पहुंचे, राजा नल कहता है लाखा दादा से, लाखा दादा एक काम कर, उस शर्त के परवाने को ला, क्या क्या शर्त लिखी है? लाखा पंडित जी शर्त बताते हैं, बेटा पहले इस ब्याह में 7,000 दाने इनकी शर्त है, अब देखो नल इनको दान, इनको वरदान हो, चामर पढ़ के मंत्र पढ़ के लखिया बन को फेंक दियो, 7,000 दाने आए और नल के दर्शन करके दान इन जयकार दियो। दान इन के एक जयकारे में राजा केशव संकल दीप को जो किलो जो 8 हाथ फटो, भैया 7,000 दान इनको जयकारो, थोड़ा सा ही ना हो लाला। अच्छा जी, जब किलो फटो जयकारे थे, सिपाही जो किले के पहरेदार वो भक्कर राजा के पास गए, महाराज बराते वहीं डाल दियो, ऐसे भोंगा वारे आए मिलके किल्ली ठोके, अब को जयकारो दे दियो तो गांव में कच्चो घर ना रही है। बिल्कुल बरात हुआ ही मार दो, हम पूरा सेपट बात मार दो बरात। राजा बोलो बरात कैसे मारी जाए भाई, जहर की ठंडाई दे दे। और 16 सिंह बबरी जो है, बबरी शेर हम देवी मैया के प्रताप से आई, ठीक अग्निकुंड 12 टीके नेग का परवाना दे दिया हाथ में,
देखो दोस्तों, पांच विषय जमीन में 100 समण के लक्कड़ में अग्नि लगी हुई है, बारोटी 80 गज ऊपर तोरण टकरी है, ढोल कुमार किशनलाल राजा नल मनसुख लाखा पंडित 7000 दाने वहां पहुंच के जा अग्नि कुंड है। आज को देख करके राजा नल घबरा गया कि मेरे छोरा मर जाएंगे आंच में पजर के, मैं तो ब्याह ना करूं। दाने बोले भाई राजा नल तेरी मर्यादा की बात नहीं, अग्नि कुंड है तुम थूक थूक के बुझा दें। और सभी देशन में रीति रिवाज है जब दूल्हे बारोटी पे आवे ना, अब तो दूल्हे जब तोरण पे जाए कहूं बरमाला डरे कहूं कछु हो वटे बैयरवानी के संग छोरी आवे दुल्हन। तो 80 गज ऊपर महल पे वो लड़की खड़ी थी बैयरवानी में, और नीचे देवी मैया आ गई। मनसुख तो कह रही मनसुख क्यों रो रो तेरे भैया, बोलो मैया नहीं रो रो मेरे छोरा मर जाएंगे आज। अच्छा छोरा मर मेरे को डरो तो क्यों नहीं सगाई फेंक गई अग्नि मैंने ठंडी कर रखी थी मैया नहीं सार दियो मनसुख को। किशन लाल क्या काम क्यों देखे बताइयो अब मरे तोरण। अरे अरे पर गजब को गोला, अरे देवी मैया ने दियो इशारो तो मनसुख ने अग्नि में फेंक दियो ढोला ढोल कुमार आज में फेंक दियो। जब ढोल कुमार अग्नि में गया तो किशन लाल क्या सोच रहा है, क्या सोचता है, देख रहे हैं नरी और नारी और तरकस तीर हाथ में लेके कूद परो आंच में किशन लाल और तारी पीछे तक लाखा पंडित। अच्छो जी अब ढोल कुमार और किशन लाल लाखा पंडित तो अग्नि कुंड में चक्कर लगा रहे, दुनिया जान रही आंच में पजर रहे, पर देवी मैया ने ठंडी कर रखी तो उनका कछुआ ना। अब लड़की सोच रही है पदम नहीं ऊपर कौन के लाल हरे भरे समद में चुवक मारी। अरे तो मेरे सुख लाई हाता पा पदमनी हाथ काले जी के के बेरी है गए बाबा मैया मेरे ऊपर मर गई है परदेसी के छैया मेरे ऊपर ये परदेसी के लाला आंच में पजर रहे बिल्कुल इतना भी नजर करी आज सुमरन करके वधुर गए मैया को अरे भक्ति में कूद पा छोरी गई किशन लाल बोलो लाखा दादा कौन डोल रही है आंच में वह हाथ में ककना फकना बंद रहो। लाखा पंडित बोलो बेटा ये तो छोरी है जा तू क्या पायो। अच्छा वो ये बोला हाँ तो अब ना डटूंगा अब नहीं डटूंगा फिर मैं हटा दादा तोरण मार दिया। बैयरवानी देख के तो गधान को जोश आ जाए तो यार हमारे ढोल के आप काय को दोष दे रहे हो भी? ना कोई दोष ना बिचारे तो देख रहे हैं नरी और नारी और उछट के तोरण किशन लाल ने 80 गज पे मारी। बीत गयो सैकारो 7000 दाने ठाड़े हाँ देश भर की पूरे शहर की बैयरवानी छत पे ठाड़ी ठीक बात। जब किशन लाल ने तोरण मारी ना तो पीत गयो सैकारो और तोरण पे चोट परी किशन लाल की तो दाने ने दे दियो जयकारो आधो फट गयो तिबारो आधो मकान फट गयो डेढ़ से बैयर दब के मरी। अरे तेरी बोलो दाने की जयकार तो मकान ना फट जाए तेरी और मकान के ऊपर बैयर वानी औरतें खड़ी वो दब के मर गई इससे चौबारे के नीचे। गांव कह रहे हो महाराज ब्याह ना आई मां आदमी मरवा बेवारो ब्याह जाओ चुंगल चिड़िया मारवे को परमाना हाथ में दे उसके उस शर्त को पूरी करें ये पहले। अब चुंगल चिड़िया को परमाना दे दियो तोरण मार के आगे पीछे। अब चुंगल चिड़िया आधी रात पे आ गई हाथी पे चोर चलाई तो क्या काम हुआ देखो बताइयो। अरे देख तोरण मार दई राजा नल ने और शीतल है गई छाती अरे जंजीरन में बांध बांध के पांच छोड़ दिए
देवी को मंदिर होगा, देवी के मंदिर में ढोल कुमर किशन लाल सुबागे नलर मनसुख भाई कहीं चुंगल चुरी छोरा न लेके चली जाए और पांच हाथी जंजीर में बांध कर ये छोड़ दिए हाथी इन पर चोट चलाएगी जब मारेंगे चारों तरफ को तोप लगाए दे। पर आधी रात पे चिड़िया आई नायकाई के परी लखाई हाथी ने ले गई अधरा उठाई खत रह गई सूरा सिपाही थोड़ी देर पीछे मनसुख बोलो भाई हाथी कहाँ है बोला हाथी कहाँ हाथी कहाँ गए भाई देखो भाई अरे वो तो दूर से दिख जाएंगे पूछ के पूछ है ऊँट के ऊँट बोलो हाथी ना है बोलो धरती है देखो बोलो बराबर इतमित को तो नहीं भग गए बोले ना जंजीरन समेत ना है बोलो हाथी कहाँ गए बोलो पतना कहाँ गए एक आदमी बोलो भैया चुंगल चिरैया ना है वह बुआ जी उठावा बिल्डू जरा बिल्डू जरा अब के हल्ला में हाथी मिलेगी अब के पूरी बरात उठा ले जाएगी आसमान में खावे बराती मर रहे सारे और सब आकर उधर क्या हुआ जो देवी के मंदिर में ढोल कुमर किशन लाल सोरे ढोला कोई नई चीज नहीं है सब दुनिया गाती है सब दुनिया सुनती है अपने अपने कहना और अपने गाने की अलग अलग लाइन होती है। राजा नल की जो पहली रानी घुमा सुरदानी की बेटी गजमोत्री इंद्र की अपरान में तेई मर गई छज्जे पे तो गिर गए जब तुम्हें तेज हाईवे गए लेकिन मरती मरती कहेगी मैं तेरे साथ रहूंगी। आज गजमोत्री सोच रही है किशन लाल के जहां को नौ तो नहीं दियो मोकू आप चुंगल चिड़िया के जाल में लग रहे हैं किशन लाल ढोल कुमार बेटा देवी के मंदिर में सो रहे हैं दोस्तों इंद्रपुरी से आए के और गजमोत्री दोनों लड़का ने इंद्रपुरी को लगे वहां मनसुख कह रहे रे नल भैया आग लगे चुंगल चिड़िया में चल वो छोरा रो रहे होंगे देवी के मंदिर जब मनसुख मंदिर में आयो बेटा ना कोई सौ पायो मनसुख एकदम तेरे डकरायो अरे नल तेरे ले गए करम लपेटा अरे मंदिर में ना तेरे नल से अरे नल भैया चल तो आइयो बोलो क्या हो गया बोलो ये हो गया क्या आवाज देता है मनसुख क्या कहता है अरे अरे देखो कहा अचरज की सुनाए दऊ तो बातो अरे मन नल एक अचंबो है गया कहा अचंबो है गो भाई अरे कहा अचरज की सुनाए दऊ तो कुबात अरे देख तेरे बेटा ने चिड़ैया लेके ओढ़ागा कहा अचरज की सुनाए दऊ तो कुबात देखा तेरे बेटा ने चिड़ैया लेके ओढ़े बेटा ये चिड़ैया हमें बेटा ने चिड़ैया लेके ओढ़ेगा अरे कहा अचरज की सुनाए दऊ बात देखा तेरे बेटा ने चिड़ैया लेके अब कहां जाए भाई बेटा नहीं है अब ब्याह कौन को करे मनसुख बोलो देख भाई चल ढूंढेंगे लड़कान ने कहीं दोस्तों मनसुख अपने घोड़ा पे चढ़ गयो नल अपने घोड़ा पे चढ़ गया बेटा ने ढूंढने के लिए गई लेकिन दोस्तों सुकुंदलपुर शहर के पास में निर्जन बन था जिसमें जनाने मर्दाने कुंड थे अब जनाने मर्दाने कुंडन को दधी कृषि का वरदान था कि कोई मर्द जनाने कुंड में जाके नहा ले तो बैयर बन जाए और कोई मर्द कोई बैयर मर्दाने कुंड में जाना है तो मर्द बन जा अच्छो घंटार मट जाए अब वो जनाने कुंड पे पहुंच गए अब भी है वो कुंड अभी है का ये तूफानी ले चले ऐसे मामला है देखो हमारी कैसे सुनने वाले जितने भी रंडवा सुन रहे हो कोई भी छोरा है पकड़ के जनाने कुंड में जाके नवा दीजिए भैया बन जाएगो कोई दिक्कत नहीं है दुनिया ब्याह करो चाहे मत करो वह जनाने कुंड पे पहुंच गए नल मनसुख और घोड़ा एक कुंड के चार घाट होते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घोड़ा तो दो घाटन पे लग जाए के नहावे लग गए नल और मनसुख अलग अलग घाट पे जावे लग गए दधी कृषि को वरदान हो जैसे कुंड में गए दो घूट पानी पियो ऊपर से पानी डालो एक चुबक लगाई का बनो लल्लू बताइयो अब छोरा न की तो है गई छोरी अरे घोड़ा न की है है गयो जो हर खानो जिनको है गयो अंग जा
गई, नल और मनसुखन की बैयर बन गई। अब नल ये घाट पे, मनसुख ये घाट पे, अब कहते कोई ना कहे कि हमारे संग ई जजड़वेद है। अब नल तो न्योना बता रो कि मनसुख गुजर की जात है, ये पहले ही ठट्टे करे हो तोते, और अब या को पतो पर गो नल बैयर बानी। अब नल तो नहीं जान रो कि जुगाड़ तेरे ही चिपको है, मनसुख या सोच रो कि मामलो तेरे ही संग हुयो है, और घोड़ा या सोच रहे तुम पहुंचनते ढकी बैठे रहो, अपने भेद मत खोल। चारु जने कोई कायते ना कहे, घनी देर रह गई, बहुत देर रह गई, वाइट पल्ले है। नल ने सोची बरात वहां पर ही है, हम यहाँ धरे रहेंगे। जब मनसुख को हेला दियो, अरे मनसुख ना बोलो, अरे ना बोले का मनसुख के ना है, मनसुख मनसुख ना है ना, तो कौन है मनसुखी है मनसुखी। अरे नल बोलो भैया, अरे ऐसो ही मैं हूँ। घोड़ा बोलो हम ऐसे ही भाई। हाँ भैया, पहुंचे ढके बैठे भैया। चारू जने एक जगह है, अब बैयर बन गए नल और मनसुख। जना ने कुंड को वो तो महिमा ही वाकी। मनसुख कह रहे कोई बात ना है, अरे अब ताई मर्दन में बैठे, अब बैयरन की पंचायत में बैठेंगे। हाँ, क्या दिक्कत है, अरे मर्दर बैयर बरोबर को जोड़ा है भाई, कोई बात नहीं। अरे नर बोलो सुसर, कोई चौपार पे बैठन देकर बैयर को और भेड़ को तो झाड़ झाड़ बेरी है। नेक चला बे तुई तीकू है, गांव में कुल गांवन में ऐसे ऐसे रंडवा पाए जो 80 गज दूर नीचे गड़ी बैयर सूं के उखाड़ ले। स्वासी रंडवा, अरे स्वासी बहुत तगड़े रंडवा है। अरे अब कैसे पार पड़ेगी। मनसुख बोलो भाई नल एक काम कर, कौन सो अब हमारो ये जुगाड़ कोई के बस की हटानो ना, या गया या जुगाड़ हटाए तो भावी मौत नहीं हटाए। गज मोत नहीं मना, मरी मराई संग दे, वो मोत नहीं वहां लड़का ने लेके बैठी इंद्रपुरी। ठीक बात, उन्नत पेशाब कर भी गिफ्ट अपना होई जा। राजा नल ने अपनी गज मोत नहीं जो पहली रानी उसके लिए आवाज लगाई, उसको मनाया कैसे। नल बोलो मनसुख कन्या क्यों करे, चार दिन पहले तो मेरे नीचे रहे हो करे, मेरी बैयर वाणी में हाथ जुड़वावे तू। बैयर उना जोड़े हाथ। मनसुख बोले तो भैया तू मत जोड़े, हम तो हाथ जोड़ जा रहे भाभी, हम तो हमारे जुगाड़ सही करवा लेंगे। तू ससर धरो रहे सो कैसे, तू लेके बैठ रहा मीजू के। जब गजमोत्री आई, अच्छी मनसुख के हाँ अब तो राज ये नहीं दारी, बहुत बढ़िया, क्योंकि अब नल ते दारी कहेगी क्योंकि औरत है वो। जरूर, जब क्या कह रही है गजमोत्री, क्या कह रही है। अरे मनसुख में तो ना आती या कमारत ना आती, हम बैठो तो दगाबाज है झूठो ही तो।
तो काय मात मराई। अरे पर तेरे फिकर की मारी, अरे मैं तो आई गई लोहरे देवरिया, तेरे फिकर की मारी, तेरे फिकर की मारी, तेरे फिकर की मारी, तेरे फिकर की मारी, मेरे देवर तेरे फिकर की मारी, मैं तो आई गई लोहरे देवरिया, यार तेरे फिकर की मारी, मैं तो आई गई लोहरे देवरिया, हाँ तेरे फिकर की मार। और मनसुख एक काम कर, अरे मनसुख या दारिये कहूं ले जइयो, और या काई भटन टंडवा को बेचइयो, या ले जा दारिये खुर्रा टंडवा को बेच जा, अरे या तलार फटरी हो, या इत कुदा जमुना पार बे जांगो पामने प्याज ते पूरी खावे वाले आदमी। अरे मनसुख या दारिये कहीं यूपी के रंडवा को बेचइयो, अरे या को पहराए दे हरी हरी चुरिया, तेरे फिकर की मारी, तेरे फिकर की मारी, अरा दारा तेरे फिकर की मारी, कारी पर गई लोहरे देवरिया, तेरे फिकर की मारी, कारी पर गई लोहरे देवरिया, मैं तेरे फिकर की मारी। और देख मनसुख, चलो मनसुख बोलो भाभी अब हमारी औगन ऊपर गुण करे, वाऊ को नाम सपूत, अब हमारा तो मामला खराब है, अब तो यार हमने सही कर और ये चुंगल चरिया मरवा। चल मनसुख ठाड़ो हो, गुणे मत भूल जाइयो मेरे, मनसुख बोलो भाभी ना भूले, ठाड़े हो। एक किलोमीटर आ गई मर्दाना कुंड, वहां में जाके नहवा दिए, वहां में नहवाए वैसे ही है गे। अच्छो जी मनसुख के झट ना झली मनसुख, अरे ले भाई बिना बात के शान मुंड पे टेक लियो, काम पे कुंड में नहाना आ जावे, झट रूस गई, रूस के जब चली मनसुख ने पकड़ ली भाभी चुंगल चिड़िया मरवा दे। अच्छा मनसुख तेरी बात अंत मरवाओ नहीं, ये तो हाँ ये तो करके बैठो, ये कबाड़े पहले जाओ तोप लगा दो और 12 बजे आवेगी और मैं अग्नि लगाऊंगी इसकी पर में, और जहां अग्नि को निशान बने तोप छोड़ दीजिए मरवा दूंगी। दोस्तों तोप चारों तरफ को लगा दी, हाथी जंजीर में बांध के छोड़ दिए। आधी रात पे जब चिड़िया आई और वह गजमोतनी रानी ने, अरे वो चिड़िया की पर में अग्नि लगाई, खूब सूख गयो चोला, और जहां निशान दी घो अग्नि को वहीं छोड़ दियो तोप को, बोला अरे चिड़िया दीनी तरन गिराए, और कान पोछ राजा के सब को दे दीने, कर रहे किसना लाल बेटा को भाई। दोस्तों सटी सरती सात कढ़ा गरम तेलन में चुबक मारेगो, ये करिए के फेरा पारेगो, गीत जानना तेज चलो है, मेरी पहली भमरिया रे अभी तो बेटी बाप की, वही देख चलो जाने कौन से कड़ा में जर के मर जाए दूल है, जब तो बैयरवानी ने वह बात मारे गए, आज काल बिना बात की रांड हमें खाए रोते हैं बैयरवानी, क्या अभी तो बेटी बाप, पता नहीं दुनिया को हम किस गाना किस कौन सी जगह का गा रहे हैं। अब फेरा पड़ गए बरात भोजन को बैठा दी, याद रखना कापी पेन ले लो, 3 से 22 मिठाई बारात के लिए हुई थी, अरे दिए है बुलाए हाल बोल लिए भोजन को, बाबरे परती आए चोर ढोरवाई है, चतर प्रवीण जवान परोसने को तैयार भय, बांधो इंतजाम सब सामा मंगवाई है, ए, अब पाकर सकोरा ढुलर मुलड़ा मंगाई लिए, लोटा का डोर दान सामने जो लाई है, पुआ का चोरी पुआ पापड़ परस दिए, धरिए से राई यहाँ लो पहलो ताई है, बाल पुआ खसम से मुझे नमक और पिता की मिठाई है, मोहन हलवा मोहन वो गजमी कंदो आए गई, दस मजेदार खुतन हाथ की सफाई है, अब चना चमेली बेनी दिन के आगार गरी, मिश्री बता तो जहाँ सब तू मंगाई है, चनोरी गजक के लाई थी वो दानेदार, कड़े बड़े रे बड़ी बड़े लेके मंगाई है, जब खीर परसी ऊपर भूले कुछ उठाए रही है, चावल को भात दार मूंग की बनाई है, उड़द की दाल सब सारी जार वो दे दई, बैंगन करेला अरबी धनस मंगाई है, आलू अरबी को भाई वो गाजर मूरा तो रही, काशी फल छोंक दई खट्टी खटाई है, कहता हरी राम जन को यहाँ तक बखान करे, याद रही हमने जितनी गाय के सुनाई है। भोजन कर रही है बारात, परोसाई है गई है, बैयरवानी छत्तन पे बैठ गई है, नल समी को गारी गाई जा रही है, कैसे बताइयो, अरे तेरी मैं तो जाती
न जानू रे ओ सजने नल सतो जतिया तेरी जात न जानू रे सजने नल ने तेरी मैया को दे दियो देश निकारो ए तेरे पिता ने तेरी मैया को दे दियो देश निकारो और फिर तुम छोड़ो भंगी छोड़े अरे जाय कैसी एठ करे रसिया तेरी जात ना जानी रे सजनो नालो हरे हरे सजनो नालो सखा जतिया तेरी जात ना जानी रे सजनो सारे सख जतिया तो क्या गई दूध नहारी और नरवरगढ़ के वा किले की तोप चली अपुडारी रंग बरसे गो अरे इन गारिन को बुरो मत माने तेरी कोई सास कोई सारी अरे ये दो तो खाए भी तू बताए दई अरे ये दो तो खाए भी तू बताए दई गारी और तरकारी अरे यार हम चुंगल चिड़िया मारे आयो आयो जे सो गाय सुनायो पीछे पच फूलाए ले आयो। दोस्तों ये चुंगल चिड़िया का ढोला हमने आपके सामने पेश किया। तुरंत हमारा ढोला आपकी सेवा में पेश हो रहा है। अगला ढोला आने वाला है किशन लाल का विवाह बंगाले की लड़ाई। अब तो बीत गयो ऐसे कारो हरी राम कहे अलावड़े वारो मैया को दे दियो जयकारो भैया दिल की मिट गई भैंस सुन भैया ने पू राम राम है बोलो अचलो सतवारे की जय भाई। अरे भजले